So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the second session of week 5. So इस week के लिए हमारा जो target था वो networking और mostly networking the rest APIs पे थोड़ा सा काम करना था और उसके बाद state management पे. तो अभी हमारा जो आज का session है networking का part हम last session में कर चुके हैं networking and rest APIs के बारे में था. And उसके बाद अभी हमारा जो आज का जो main topic है वो है state management. हम बहुत डीप नहीं जाएंगे स्टेट मैनेजमेंट में क्योंकि अगर आपने किसी खास स्टेट मैनेजमेंट टूल को उठा के अगर आपने उसको प्रॉपरली देखना है तो वो एक सेशन में सारा कुछ डिस्कस नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. उसके लिए हमें अलग से जो है ना एटलीस्ट 3 to 4 weeks चाहिए स्टेट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसमें किसी सिंगल आर्किटेक्चर को उठा के अगर हमने उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल में बात करनी है स्टेप बाय स्टेप. बट एनी हाउ यहाँ पर हमारा मकसद आपको एक ओवरव्यू देना है पूरे एक स्टेट मैनेजमेंट का. उसके बाद हम प्रोवाइडर पे काम करेंगे जो कि हमारे पास सिंपलेस्ट है, मतलब सब में सिंपल और काफी इफेक्टिव है. हम पर्सनली खुद जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसमें प्रोवाइडर ही यूज कर रहे हैं राइट नाउ, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. एंड प्रोवाइडर के बेसिक सोर्स है एंड देन उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन. So, starting with the introduction, upstate management हमारे पास है क्या? अब हमारे पास जो application का state है, उसको manage करना, उसको हम बोलते हैं state management, सही है? अब application का state हमारे पास क्या है? यहाँ पे हम example लेते हैं, सही है? अब let's suppose यहाँ पर ये जो आपको ये example नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देखें. अब हम एक कार्ड की एग्जांपल ले लें. अगर आपके पास एक होम स्क्रीन है इसमें ऊपर कार्ड का बटन है, सही है, तो अगर कोई यहाँ से कार्ड में कोई आइटम ऐड करेगा, सही है, तो ऑटोमेटिकली वो कार्ड में अपडेट होगा. कार्ड में जो आपको वैल्यू ऊपर नजर आ रही है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर अपडेट हो जाएगा, सही है. तो मतलब कार्ड में किसी ने कोई आइटम ऐड किया है, सही है. अब यहाँ पर बात यह है कि आपके पास जो कार्ड का जो स्क्रीन है यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज आपके पास एप्लीकेशन है ना, आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, कैटलॉग है, प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है, ये आपका लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन होते हैं आप, उसके बाद आप कैटलॉग में आते हैं, जो मेन स्क्रीन है ये आपका मेन स्क्रीन हो गया, सही है. इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स है. आपके पास एक और स्क्रीन है माई कार्ट का, सही है, वहां पर आपको वो आइटम जस्ट शो होते हैं जो आपने कार्ट में ऐड किया हुआ है, सही. तो हमने इसको किस तरह अपने ऐप के अंदर मैनेज करना है, इसका स्टेट अपने ऐप के अंदर हम किस तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि अब ये है ना हमारे पास, अगर आप जो नॉर्मली हम नेविगेशन करते हैं दूसरे स्क्रीन पर, तो उससे क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये माई कार्ड का स्क्रीन है ना, तो लेट्स सपोज मैं नेविगेट करता हूँ, मैं स्क्रीन से पॉप होता हूँ, वापस स्क्रीन में आता हूँ माई कैटलॉग स्क्रीन में, या मैं किसी और स्क्रीन पर जाता हूँ, तो यहाँ पर जो वेरिएबल जो डेटा हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो वो सारा वॉश आउट हो जाता है, सही है, क्योंकि वो स्टैक में जो डेटा पड़ा होता है वो क्लियर हो जाता है वहां से, सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको क्लियर करता है, सही है. जबकि हमें यहाँ पर अगर आपके पास एक एप्लीकेशन जिसमें कार्ड भी हो, तो कार्ड में फिर क्या होता है कि कार्ड में जो आइटम्स पड़े होते हैं वो वहीं पर पड़े होते हैं. अगर आप उस स्क्रीन से बाहर भी चले जाएं, दोबारा उस स्क्रीन में वापस आते हैं, तो वो कार्ड के आइटम्स वहां पर पड़े होते हैं, वो वहां से रिमूव नहीं होते, सही है. तो अब करना यह है इसमें कि हमारे पास जो बाएं, अब इसमें असल में ये होता है ना कि आप जब हम स्क्रीन से पॉप होते हैं तो उसका जो स्टेट होता है वो क्लियर हो जाता है, सही है. उसका जो स्टेट का ऑब्जेक्ट होता है वो मेमोरी से रिमूव हो जाता है. जब हम दोबारा उस स्क्रीन में जाते हैं तो उसका एक नया स्टेट का ऑब्जेक्ट बनता है, सही है. अब उसका अब करना क्या होगा हमें यहाँ पर कार्ड के स्क्रीन में, इस कार्ड के स्क्रीन का जो स्टेट है उसको हमने अपने साथ रखना है, उसको हमने अपने साथ मतलब कंसिस्टेंटली उसको हमने बार बार यूज करना है, तो वो हमारे पास वो जो जो स्टैक है उससे रिमूव नहीं होना चाहिए, सही है. तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम जो एक हमारे पास ऑप्शन है कि इसका जो स्टेट है ना स्टेट उसको हम लिफ्ट कर लेते हैं, सही है. अब लिफ्ट से क्या मतलब है, अब लेट्स सपोज हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है, हमारे पास यहाँ पर जो राइट नाउ जो हमने ये एप्लीकेशन बनाया था इसमें हमारे पास ये देखिए हमारे पास जो पेजेस है मेन, सही है, इसमें जो विजेट्स है हमारे पास उसमें जो टॉप का विजेट बनता है वो हमारे पास कौन सा है, वो मटेरियल ऐप का विजेट बनता है, सही है. तो मटेरियल माय ऐप का विजेट बनता है, उसके बाद वो नीचे जो दूसरे विजेट्स हैं वो उनके चाइल्ड आते हैं, उसके चाइल्ड विजेट्स बनते हैं जो हमारे पास ओल्ड स्क्रीन है, सही है. यहाँ पर देखें हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन है, तो ये स्प्लैश स्क्रीन उसके मतलब चाइल्ड में आ रहा होता है, सही है, क्योंकि वो ये उसी के अंदर आ रहा है. एंड उसके साथ अगर हमारे पास दूसरे स्क्रीन है तो वो भी उसके चाइल्ड में आता है.
अब हम क्या करते हैं, इसका जो हमारे लिए माई ऐप है, माई ऐप को तो हम पॉप नहीं करते हैं, सही है। माई ऐप को पॉप करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, सही है। तो ये माई ऐप का जो स्टेट है वो तब हमारे पास रिमूव होता है मेमोरी से, जब हम उसको क्लोज एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम जो ये जो कार्ड का जो स्टेट है इसको हम उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, सही है। हम इसको माई ऐप में ले आते हैं, सही है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड का ऑब्जेक्ट है अब यहाँ पे पड़ा होगा, सही है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जब माई माई कार्ड के सीन में आते हैं तो इस स्टेट को एक्सेस करके इसमें जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं, सही है। जो कार्ड का आइटम जिसमें पड़े हुए हैं ना तो उसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माई कैटलॉग जो है, मतलब माई कैटलॉग मीन जो लिस्ट ऑफ आइटम है आपके पास, सही है, आप इसको वो समझ लें। तो यहाँ से अगर किसी बंदे कोई आइटम हमने ऐड करना है तो हम इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर माई ऐप में इसको ऐड कर सकते हैं, सही है। इसका एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं। जब आप एक्चुअली जब आप प्रॉपरली एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे ना तो उसमें फिर आपको ये सारे इशू सामने आएंगे, तो वहां पर आपको एग्जैक्टली जो यूज केस है इसका, जब आप इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे तो फिर ये जो यूज केस है राइट नाउ जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस चीज की जो एक्चुअल बेनिफिट है वो आपके तरफ सामने आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं की तो उसकी कोई आई डोंट नो कि आपको इसकी कोई अफादियत अभी राइट नाउ सामने नहीं होगी, सही है। आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूं, लेट सपोज हम एप्लीकेशन से लॉग इन होते हैं, सही है। हमें यहाँ से लॉग इन हुआ हूँ, सही है, मैं एप्लीकेशन से लॉग इन हुआ हूँ, मैं मुख्य स्क्रीन पे जा रहा हूँ, तो वहां पर मैं कैसे मेक श्योर करूंगा कि ये बंदा लॉग इन है या नहीं है। इसको मेक श्योर करना कि ये बंदा लॉग इन है, सो इसको मेक श्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो एप्लीकेशन का जो स्टेट है ना उसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर जितने स्क्रीन है ना वहां से हम इसको रीड कर सकते हैं, इस स्टेट को हम रीड कर सकते हैं। हाँ अच्छा, तो एक यूज केस ये जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कार्ड का, तो ये इसका एक एक यूज केस हमारे पास ये है, सही है। दूसरा यूज केस आपको मैं एक मिनट, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई और एग्जाम्पल हो तो उसका मैं आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी यही सेम डिस्कस हुआ है। दूसरा आपको मैं यूज केस इसका ये बता सकता हूँ ना, लेट सपोज आपके पास जो यूजर लॉग इन होता है उसका डेटा आपके पास हर टाइम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप लेट सपोज आपने कोई डेटाबेस में कोई एंट्री करनी है, लेट सपोज ये यूजर है ये कार्ड से कोई आइटम बाय कर रहा है, सही है, आप एप्लीकेशन में कोई आइटम बाय कर रहा है, तो आपने इसको डेटाबेस में इस यूजर की आईडी के साथ अटैच करना होगा। वहां पर आप डायरेक्टली इस चीज की एंट्री तो वहां पे नहीं करेंगे ना, एक खास आप आपका जो रिलेशन होगा उसको आप मेंटेन करेंगे, उस रिलेशन के लिए आपको इस यूजर का जो इस यूजर के जो क्रेडेंशियल है जो अभी लॉग इन हुआ है तो वो आपको चाहिए, सही है। तो उसको आप किस तरह मैनेज करेंगे कि आपके पास वो एक लोकेशन पे पड़े रहे, क्योंकि जब आप किसी एक खास स्क्रीन पर उसको रखेंगे ना तो जब आप उस स्क्रीन से पॉप होते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं मेमोरी से, तो आप उसको दोबारा से एक्सेस नहीं कर सकते, सही है। तो आपको वो परसिस्टेंट कहीं पे चाहिए होते हैं कि आपके पास ये पड़े रहे एप्लीकेशन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम कुछ इस तरह का सीन बना सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम उठा के एक उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दें, उसको हम ऐप के अंदर उसमें रखते हैं, उस लेवल पे रखते हैं, तो उस लेवल पे जो है ना यहाँ पर जो माई ऐप का लेवल है यहाँ से कोई भी स्क्रीन उसको एक्सेस कर सकता है, सही है, और किसी भी स्क्रीन से उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेट मैनेजमेंट का जो एग्जांपल है वो हमारे पास यहाँ पे अभी आपको बता रही है। इसका 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 तो एग्जांपल हमारे पास ये है। दूसरा अगर आप लोग देख लें, अभी हमारे पास एक एप्लीकेशन है, लेट सपोज हमने जो एप्लीकेशन यहाँ पर बनाई हुई है इसको हम एक नजर देखते हैं, इसको मैं लेट सपोज मैं लॉग आउट करता हूँ, सही है। ये जो स्क्रीन था इसका स्टेट चेंज हो रहा है, अब ये देखें यहाँ पर स्टार्ट में दो प्रोग्रेस बार्स थे, सही है, एक प्रोग्रेस बार डेटा के लिए था, यहाँ पर ये जो डेटा है उसके लिए था, एक प्रोग्रेस बार डेटा के लिए था, सही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है,
इसका जितना भी लॉजिक है ना, इसका जितना भी लॉजिक है वो हमने यहाँ पर ये जो होम स्क्रीन है उसके अंदर डाला हुआ है। ये देखो ये सारा लॉजिक हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, मतलब दिस इज टू मच वर्क टू बी डन ओवर हियर। मतलब इस चीजों को हम प्रॉपरली सिंपल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बार बार जो है ना उसका हम स्टेट कॉल कर रहे हैं, सेट स्टेट का हम ऑब्जेक्ट इस पर कॉल कर रहे हैं बार बार, ये बार बार हम सेट स्टेट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। तो एंड अगर हमने यहाँ पर नीचे कोई चेंज वगैरह कोई चेंज कर रहा है तो उसमें भी हम बार बार सेट स्टेट कॉल करते हैं। लेट सपोज आपके पास भी ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है इस तरह, मतलब मल्टीपल मल्टीपल लोकेशन से डेटा आ रहा है, सही है। यहाँ पर मैं सर्च बार में कुछ एंटर करता हूँ, इसको मैंने सर्च करना है, सही है। इसके सारे फंक्शन अगर मैं यहाँ पर इसी गेंद में डाल दूँ तो ये कोड हमारे पास काफी मेसी कोड बन जाता है, सही है। तो इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये स्टेट मैनेजमेंट के जो सोल्यूशन है वो यूज कोड यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो लॉजिक है, लॉजिक जो यूआई का काम है वो हम यहाँ पर छोड़ दें, यूआई यूआई का जो काम है हम यहाँ पर वो स्क्रीन में छोड़ दें, सही है। और बाकी जो लॉजिक है, ये प्रोग्रेस बार शो करना, प्रोग्रेस बार रिमूव करना, डेटा गेट करना, डेटा पोस्ट करना, ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, हम ये एक और ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। तो स्टेट मैनेजमेंट का जो है ना एक हमारे पास ये भी है कि हम उसको एक प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो करके ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करने से क्या होता है, आपका कोड जो है ना काफी मैनेजेबल हो जाता है, सही है। अगर आपने सारा कुछ एक एक फाइल के अंदर डाला हुआ है तो ये मतलब यहाँ पर एक इसको हम बोलते हैं स्पेगेटी कोड बोलते हैं। तो स्पेगेटी कोड में ये होता है कि आपका कोड इतना कम्प्लेक्स हो जाता है, इतना अचार बन जाता है उसमें कि आप उसको ना आप कहते हो उसको मेंटेन करने का दिल करता है, सही है। या आप कोई एक चीज को चेंज करते हैं, कोई एक चीज ठीक करते हैं तो आप 4-5 जगहों पर बहुत सारे और मोर मसले क्रिएट कर देते हैं, सही है। तो कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए भी हमारे पास ये स्टेट मैनेजमेंट के जो जो आर्किटेक्चर हैं हम उसको हम यूज करते हैं, सही है। अब हमारे पास ऑप्शन जो है ना स्टेट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे हैं। अभी हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, एक हमारे पास जो है ना अभी जो नॉर्मली अभी हम यूज करते हैं स्टेट स्टेट का भी फंक्शन यूज करते हैं राइट नाउ, जैसे हम स्टेट स्टेट फंक्शन यूज करते हैं उससे भी हमारे पास वो स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है प्रोवाइडर का ऑप्शन है, इसके बाद हमारे पास इनहेरिटेड विजेट एंड इनहेरिटेड मॉडल का एक ऑप्शन है, रिडक्स है, फिश रिडक्स है, ब्लॉक है, आरएक्स है, गेटेड है, मोब एक्स है। तो हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शन हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, सही है। और जो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं तो यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि हम यूज कौन सा करना, सही है। सो माय पर्सनल सजेशन इज कि आप स्टार्ट करें स्टेट स्टेट तो आप मोस्टली यूज करते हैं, माई पर्सनल सजेशन है कि आप स्टार्ट करें प्रोवाइडर के साथ, सही। असल में वो डिपेंड भी करते हैं कि आपका यूज केस क्या है ना, लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा कि कौन सा यूज केस में हमने कौन सा जो स्टेट मैनेजमेंट का टूल है या जो आर्किटेक्चर है वो हमने यूज करना है, सही। बट राइट नाउ आप इतना समझ लें कि फॉर नाउ आप स्टार्ट ले लें प्रोवाइडर से, सही है। प्रोवाइडर काफी जो है ना वो सिंपल है, मतलब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, सही है। और प्रोवाइडर से आप किसी और आर्किटेक्चर में शिफ्ट होंगे ना, या जिस तरह ब्लॉक है तो आप प्रोवाइडर से ब्लॉक में शिफ्ट होंगे तो वो भी आसानी होगी, क्योंकि आपको जो एक आर्किटेक्चर है स्टेट मैनेजमेंट का, सही है, उसकी आपको समझ आ चुकी होती है कि मतलब कौन कौन से आर्किटेक्चर में यूज कर सकता हूँ, सही है। अगर आप डायरेक्टली ब्लॉक की तरफ जाएंगे, आप ब्लॉक यूज करेंगे या इसके अलावा कोई और थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है वो यूज करते हैं आप, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, सही है, उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय पर्सनल सजेशन इज कि आप स्टार्ट करें प्रोवाइडर के साथ, और अभी जो हम स्टार्ट करेंगे तो प्रोवाइडर के साथ ही करेंगे, सही है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम थोड़ा सा प्रोवाइडर को डिस्कस करें कि प्रोवाइडर हमारे पास क्या है। प्रोवाइडर भी हमारे पास एक स्टेट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर है, सही है। प्रोवाइडर में क्या होता है, आप सेम यही एग्जैक्टली सेम एग्जांपल ले लें, ये इन्होंने जो एग्जांपल यूज किया है ना ये भी एग्जैक्टली प्रोवाइडर का ही एग्जांपल इन्होंने यूज किया हुआ है, सही है। हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोवाइडर, हम उसको नाम देते हैं, सही है। वो क्या करता है, वो हमें मुख्तलिफ चीजें प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडर का काम क्या होता है, ये असल में प्रोवाइडर जो है ना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में
एक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है ना कंसेप्ट भी है प्रोवाइडर मॉडल जो है, सही है। तो प्रोवाइडर में हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर ये करता है कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना तो उसमें कोई चेंज आ रहा है, सही है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई करता है कि यहाँ पे कोई चेंज आया था। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे जो आपके पास जो डेटा है, सही है, प्रोवाइडर वो आपको किसी और क्लास के अंदर प्रोवाइड कर सकता है, सिंपली आप इतना समझना, सही है। इसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम डिपेंडेंसी उसके टर्म में भी यूज करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के टर्म में। लेट्स सपोज यहाँ पर माई ऐप के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपको यहाँ पर चाहिए, सही है, तो वो हम प्रोवाइडर के थ्रू उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, सही है। अच्छा, प्रोवाइडर को भी हम फिर हम यूज करते हैं एक और वो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। तो एक हमारे पास है प्रोवाइडर, प्रोवाइडर में आप क्या करते हैं, ये डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, सही है। लेट सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मेरे पास जो मटेरियल ऐप ऑब्जेक्ट है ना, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फाइनल टेक्स्ट, सही है, ये टेक्स्ट है मेरे पास, और ये मैंने किसी और लेट सपोज स्क्रीन के अंदर मैंने इसको एक्सेस करना है, यहाँ पर मैंने इसको एक्सेस करना है। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि इस टेक्स्ट को मैं क्या करूं, मैं फर्स्ट स्प्लैश स्क्रीन को पास कर दूं, सही है। स्प्लैश स्क्रीन जब तक नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा, कहाँ पर है मेरे पास जो होम स्क्रीन है, ये स्प्लैश स्क्रीन जाके फिर उसको वहां पे पास करेगा, सही है। अब लेट सपोज मेरे पास के अंदर 10-15 स्क्रीन और आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, ये डेटा मैं नेविगेट करूंगा स्टेप बाय स्टेप, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो ये डेटा मैंने फ्लोट करना है एक दूसरे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर, सही है। तो ये डेटा फ्लो करेगा मुख्तलिफ स्क्रीन पर। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो है ना, ये एक इफेक्टिव, ये जो मेथड है, ये एक इफेक्टिव मेथड नहीं है कि आप एक स्क्रीन से डेटा दूसरे को सेंड करना है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, फिर छठे को, लेकिन आपने यहाँ से यहाँ पर डेटा पहुंचाना है, सही है। लेट सपोज आपके पास ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन से आपने डेटा स्क्रीन तक पहुंचाना है, या लेट सपोज आपके पास एक विजिट यहाँ पर है, सही है, वो विजिट आपने डाउन द ट्री इसको पहुंचाना है, सही है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पास करेंगे, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, इसको ये इसको पास करेगा, सही है ना। तो ये डेटा स्टेप बाय स्टेप फ्लो करेगा डाउन, सही। अगर आपके पास फिर आपने कुछ और भी डेटा पास करना है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट इतने कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं कि फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया, प्रोवाइडर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से इसको पास करने की जरूरत नहीं है, डाउन द ट्री इसको पास करने की जरूरत नहीं है, सही है। तो प्रोवाइडर का हमारे पास जो मेन फायदा है वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट उठा के किसी जो टॉप लेवल पेरेंट जो स्क्रीन है या पेरेंट जो विजिट है उसमें रख देते हैं, सही है। और प्रोवाइडर का जो प्लग इन है वो जो उसका जो आर्किटेक्चर है वो हम ये प्रोवाइड करता है कि मैं किसी भी स्क्रीन से उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एक कॉमन जगह से उसको मैं ऑटोमेटिकली आराम से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, सही है। तो अब हमने ये करना कैसा है, ये भी हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा, सही। मैं इस मॉडल की तरफ नहीं जाऊंगा, हाँ अभी तक हम जितना काम कर रहे थे ये स्क्रीन के अंदर हम इसी को करेंगे, सही है। मैं एक प्रोवाइडर बनाऊंगा, सही है, जिसका काम ये होगा कि ये सारे काम मेरे लिए करेगा, मेरे लिए डेटा भी डेटा बेस से फिच करेगा, जब डेटा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा ये स्क्रीन पर, सही है। जब डेटा ना आए, जब डेटा हमारे पास, जब जिस टाइम तक हमारे पास डेटा ना हो, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर मुझे एक फ्लैग देगा कि मैं यहाँ पे क्या शो करूँ, यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार है मैं वो शो करूँ। तो ये सारी जो अभी मैनेजमेंट हम यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर हो, डायरेक्टली होम स्क्रीन के अंदर कर रहे हैं ना, इस सारे लॉजिक को उठा के अभी हम एक प्रोवाइडर में डालेंगे, सही है। तो वो मतलब जो यहाँ पर यहाँ का जो लॉजिक था वो सारा प्रोवाइडर में बुक हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जस्ट सिंपल यूआई रह जाएगा, सही है। कल को अगर आपने कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप सिंपली यूआई में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जो मेन लॉजिक चेंज करना है तो आपको वो कोड जो है ना आपके पास वो सेपरेट पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंसर्न का जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का एक कंसेप्ट है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न बोलते हैं उसको हम, तो वो भी हम बेस्ट तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सही है। अब हमारे पास जो प्रोवाइडर होगा उसका कंसर्न अलग होगा,
हमारे पास जो होम स्क्रीन है इसका कंसर्न अलग होगा. होम स्क्रीन का कंसर्न क्या होगा, जो डेटा आ रहा है उसको जस्ट यहाँ पे शो कराना है, सही है. प्रोवाइडर का कंसर्न क्या होगा, प्रोवाइडर ने सारी चीजें वो मैनेज करनी है. लेट सपोज ने अगर डेटाबेस से डेटा फिच करना है तो वो भी वो मैनेज करेगा, सही है. अगर उसने कोई और काम करना है, डेटाबेस को सेंड करना है डेटा, सही है. या यहाँ पर प्रोग्रेस बार आपको स्टेट का बताना है कि अभी राइट नाउ कौन सा स्टेट चल रहा है, सही है. तो ये सारा काम लेट सपोज ये देखें राइट नाउ जो हम स्क्रीन को लोड करेंगे. अच्छा ये लोड नहीं होगा, ये रिमूव करना पड़ेगा इसे. तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऐड किया था कि इसको हम एक बार रीस्टार्ट करते हैं. अब जैसे ही होम स्क्रीन पे आता है ना, अब होम स्क्रीन को ये बताना कि आपने कब प्रोग्रेस बार शो करना है, तो आपने कौन सा डेटा शो करना है, ये सारा काम उसका होगा. उस एजेंट को बताना है कि आपने ये करना है, बाकी मैनेज करना उससे काम है. डेटा आया है या नहीं आया, सही, ये सारी जितने भी लॉजिक है ना, ये सारा काम जो है ना प्रोवाइडर करेगा, सही. तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है. दूसरा, अगर आपने ग्लोबली आपके पास ग्लोबल डेटा चाहिए तो उसके लिए भी प्रोवाइडर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, उसको यूज कर सकते हैं, सही है. तो राइट नाउ जस्ट इसका जितना भी लॉजिक था ना वो हम शिफ्ट करेंगे प्रोवाइडर के अंदर, सही. तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन से यहाँ पर मैं जो आर्किटेक्चर मोस्टली आपने मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है कि जिस स्क्रीन के लिए आपने प्रोवाइडर यूज करना है ना, सही है, तो उसका लॉजिक जो है ना वो भी वो को आप कोशिश करें कि उस स्क्रीन के अंदर ही डालें, सही. प्रोवाइडर का जो सॉरी अभी आपको मैं रखूँ किस तरह करना है इसको. होम, इसको मैंने होम का नाम दे दिया है, ऑब्जेक्ट बना दिया. जो स्क्रीन है यूआई है ये भी मैं उसी फोल्डर के अंदर शिफ्ट कर दूंगा, सही है. एंड उसके साथ इसके लिए मैं एक प्रोवाइडर भी बना दूंगा होम स्क्रीन के लिए. तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मतलब जिस स्क्रीन के लिए आपने एक प्रोवाइडर बनाना है, सही है, तो आपने उसी को उसी के अंदर ही उसको यूज करना है. मतलब एक एक फोल्डर बना दें उसके लिए होम, एंड उससे ये होगा कि आप हमारे पास के लिए मुख्तलिफ जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैं यूज होते हैं, सही है. बट अभी तक मैंने पर्सनली जितने भी यूज किए सबसे इफेक्टिव जो मेथड उसमें ये वाला है, सही है. आप भी कोशिश करें इसी को फॉलो करें. अगर आपने कोई और मेथड फॉलो करना है और आपको अच्छा लगता है बिल्कुल फॉलो करें, बट दिस इज माय रिकमेंडेशन कि आप इस तरह यूज करें इसको, सही है. अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ का जितना भी लॉजिक था ना वो उठा के हम इस प्रोवाइडर में शिफ्ट कर देंगे, सही है. अच्छा अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोवाइडर का जो प्लगइन है वो एड कर देंगे. अब आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास फाइनल एक्स इक्वल्स टू 3 है, अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा आपके पास प्रोवाइडर आपको कहाँ पर दे, ये होम स्क्रीन के अंदर आपको ये डाटा प्रोवाइड कर दे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आसानी से यहाँ पर ये डाटा प्रोवाइड कर सकता है, सही है. उसका भी हम आपको अभी हम डिस्कस कर लेंगे उसको. इसको मैंने नाम क्या दिया हुआ है, होम प्रोवाइडर है ना. तो लेट सपोज मैंने ये डेटा एक्सेस करना है, कौन सा डेटा, ये वाला डेटा है,
सही। एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बनाऊँ, सही है, इसको ऑब्जेक्ट बनाऊँ, फिर ये डाटा मैं वहाँ से एक्सेस करूँ उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, सही है। मतलब लेट सपोज एक तरीका इसका ये है कि मैं यहाँ पर होम प्रोवाइडर, हाँ होम प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बना के उसका जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट वो है फील्ड है वो उसको मैं एक्सेस करूँ, सही है। एक तरीका तो मेरे पास ये भी है, बट इसमें कुछ और बातें भी हैं। लेकिन से ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा ना वो एक नया ऑब्जेक्ट होगा, हर टाइम आपके पास मोस्टली नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगा, तो उसमें राइट ना कुछ और बातें, चलो ये उससे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उसको हम देखो इस तरह नहीं करते। हमने राइट नाउ करना क्या है, इसका जितना भी लॉजिक है ना ये वाला, इन सारे को हमने शिफ्ट करना है होम प्रोवाइडर के अंदर, सही है। तो यहाँ पर जो म्यूजियम्स की लिस्ट है ना, ये सारा लॉजिक यहाँ से उठाकर सर यहाँ पर देखिए, इसको हमने स्टेटफुल विजेट बनाया था ना, तो इसको हम रिमूव करके इससे भी हम स्टेटलेस विजेट बना के ये अपना काम ले सकते हैं। अच्छा जो इश्यूज है उसको बाद में मार्ग यहाँ पर आगे रखा। अच्छा अभी हमने करना क्या है, अभी हमने ये करना है कि जो प्रोवाइडर था यहाँ पर वो क्या करेगा, जितना भी डाटा फिच करने का काम था ना वो इसी की जिम्मेदारी है, सही है ना। वो सारा डाटा फिच करके वहां पे हमें नोटिफाई करेगा, सही है। अब अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब यहाँ पे कोई चेंज हो तो जो ऑब्जेक्ट इसको यूज कर रहा है वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाए कि यहाँ पे कुछ चेंज आया है, सही है। तो अगर आपने उस तरह करना है तो हम उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर। इस सब्जेक्ट को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर, चेंज नोटिफाई। अब चेंज नोटिफाई क्या करता है, यहां पर किसी डेटा में चेंज आ रहा है ना तो ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट इसको यूज कर रहा है ना उसको नोटिफाई करेगा, सही है। जो चीजें इसको कंज्यूम कर रही है उसको नोटिफाई करेगा। अभी हम करते हैं इसको प्रॉपरली, ये हमारे
जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे मेरे को कॉल कर देंगे जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर में डेटा को कॉल कर देगा, सही है। इस तरह वहां पर यही सेम काम हमने इनिट से लिया था। अच्छा यहाँ पर हमारे पास डेटा आ जाएगा, डेटा इज हियर एंड देन होम स्क्रीन, राइट नाउ मैं ये करता हूँ कि बोल व्हाट म्यूजियम्स डेटा को हम इनिशियली पास करते हैं एंड जब हमारे पास डेटा आ जाए, ये डेटा हमारे पास आ गई है यहाँ पर, तो हम क्या करें जो गॉट म्यूजियम डेटा का है उसको हम एंड यहाँ पर जब ये आ जाए गॉट एग्जीबिशन डेटा इसको हम। अच्छा अभी ये तो हमने यूज कर लिया है यहाँ पर, सही है। चेन नोटिफायर भी लगा दिए है, प्रोवाइडर भी यहाँ पर बना दिए है, अभी इसी प्रोवाइडर को हमने यहाँ पर यूज करना, सही है। अब प्रोवाइडर को हमने यहाँ पर कंज्यूम कैसे करना है, यहाँ पर उसको हमने लिसन कैसे करना है, सही है। तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सही है। उसको अगर हमने एक्सेस करना है ना तो उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तभी जाके उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, सही है। तो आपने करना क्या है, स्क्रीन के जो स्टार्ट में बिल्ड के स्टार्ट में ही आप क्या करें उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, सही है। उसके हमारे पास यूज होता है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, सही है। अगर आप देखें, अगर आपने जस्ट सिंपल प्रोवाइडर यूज करना है, आपने जब वहां पे चेंजेस हो रहे हो उसको अगर आपने लिसन नहीं करना तो आप जस्ट सिंपल प्रोवाइडर यूज कर सकते हो, सही है। मैं यहाँ पर फिर क्या कर सकता हूँ, जस्ट प्रोवाइडर में यूज कर सकता हूँ, प्रोवाइडर का मैं ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ, सही है। अगर आपने वहां पर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लिसन नहीं करना, सही है। लेकिन अगर आपने उन चेंजेस को भी लिसन करना है जो वहां पर हो रहे हैं उसके लिए फिर आप कौन सा यूज करेंगे, आप चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। इसमें हमारे पास एक पैरामीटर है क्रिएट का, तो क्रिएट में कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पर उसको हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे कौन से वाला जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ ये होम प्रोवाइडर का, सही है। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये अब इसका सिंपल क्या मतलब है कि यहाँ पर एक जस्ट हमारे पास यहाँ पे एक चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बना है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है राइट नाउ। तो क्या होगा, हम जब स्क्रीन पे आएंगे इनिशियली तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे ना, जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट होम प्रोवाइडर का बना है, ये होम प्रोवाइडर का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सही है। उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली डेटा कर देगा, डेटा कॉल करके वो डेटा गेट कर देगा, सही है। अच्छा अब यहाँ पर जो दूसरी जो बात है वो है जो वहां पर डेटा हमारे पास आ रहा है अभी उसको हमने क्या करना है, अभी यहाँ पर हमने उसको कंज्यूम करना है, सही है। अब उसको कैसे कंज्यूम करेंगे, लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि उस डेटा को मैं लिसन करूँ यहाँ पर, सही है, कि वहां पर जो चेंज आएगा ना जो होम प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी चेंज आएगा उसको मैं यहाँ पर देख सकूँ, सही है। तो उसके लिए कि आपने तो एक ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं कंज्यूमर का, क्लियर हो गया ना, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर में क्या क्या होता है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आ जाता है यहाँ पर,
एंड शाइन, ये जस्ट उसका कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट आप अपने जहन में बिठाएंगे, सही है। सिंटैक्स का ये है, एंड यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कौन सा हमें यूज करना है, होम स्क्रीन का प्रोवाइडर का, क्योंकि ये कंज्यूमर आपको मल्टीपल प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर सकता है, सही है। अब कंज्यूमर क्या करेगा, इसने हमें वो होम स्क्रीन का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया जो होम स्क्रीन का प्रोवाइडर था, पूरी होम स्क्रीन प्रोवाइडर, होम प्रोवाइडर नाम है उसको, होम प्रोवाइडर, सही, होम प्रोवाइडर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये होम प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट होगा, ये प्रोवाइडर जो है, सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही वहां पे कोई चेंज होगा, इस ये प्रोवाइडर जो ये ऑटोमेटिकली उसको ये नोटिफाई होगा उसके लिए। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो प्रोग्रेस बार हमने यूज किया था ना उसको, इसी को ना वहाँ वहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर क्या था, डॉट होम डेटा है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, प्रोवाइडर डॉट गॉट गॉट यूजर डेटा, नहीं गॉट होम डेटा, तो वहां पर गॉट गॉट, यहाँ पर हमने मशीन यूज किया था तो उसको हम कर देंगे गॉट गॉट एक्सिक्यूशन, यहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइडर डॉट अच्छा, यहाँ पर हमने कौन सा डेटा यूज करना है, जो यहाँ पर इसके अंदर है प्रोवाइडर हमें जो प्रोवाइड कर रहा है, हमने कौन से यूजर, यहाँ पर ये यूजर है ना, ये हम यूज करेंगे यहाँ पर provider dot museums and number one provider dot exhibition dot length and let's go restart that now. स्क्रीन जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए हैं, अब ये प्रोग्रेस बार का प्रोग्रेस बार इशू कर रहे हैं, सही। अब हालांकि डेटा हमारे पास आया हुआ है, आपको मैं यहाँ पर कंसोल में बता दूं, ये देखें डेटा हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ, बट ये स्ट्रीम यहाँ पर वो शो कर रहा है। असल में डेटा अब यहाँ पर मेरे पास ये कंज्यूमर है ना, असल में होता क्या है, यहाँ पर आपको मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दूँ। ये कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली इसको लिसन कर रहा होगा जो आपको प्रोवाइडर है, सही है। प्रोवाइडर में कोई चेंज आता है तो ये ऑटोमेटिकली इस कंज्यूमर के नीचे जितने भी विजिट्स हैं उसको रिबिल्ड करेगा, सही है, इसको रिबिल्ड करेगा और वहां पर जो चेंज आया है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सही है। लेकिन ये कब नोटिफाई होगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ये है, ये नोटिफाई कब होगा, जब आप क्या करेंगे, नोटिफाई लिस्टर का हमारे पास वो है, जब आप वो कॉल करेंगे नोटिफाई लिस्टर, जिससे क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट इस प्रोवाइडर को लिसन कर रहे हैं, यहाँ पर भी कंज्यूमर यूज हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर, वहां पर जैसे ही यहाँ पर ये डेटा अपडेट हो रहा है, नोटिफाई लिस्टर कॉल होगा ना, तो ये डेटा ऑटोमेटिक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये डेटा हमारे पास आया हुआ है, सही है, यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, आप वहां भी यूआई को अपडेट करें। यहाँ पर भी हम दोबारा से नोटिफाई लिस्ट पर कॉल करते हैं, अभी अभी आप कॉल कर रहे हैं, क्लियर हो गया, मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ।
अभी ये देखें डेटा वहां पे नहीं आया, अब डेटा आया है टॉप पर, तो इसने यहाँ पर ये नोटिफाई लिस्ट पर जब कॉल किया है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको नोटिफाई हुआ है कंज्यूमर में, ये प्रोवाइडर का लोकेट है, इस कंज्यूमर के अंदर जितने भी विजिट्स हैं इसको नोटिफाई हुआ है, इसको एक नोटिफिकेशन मिली है कि ये जो डाटा था ये अपडेट हो गया है, तो उसने ये प्रोग्रेस बार की वजह से हमें यहाँ क्या क्या क्योंकि यहाँ पे एक पूरा एक लिस्ट हमें इसको कर दिया है उसके लिए अभी यही यही बात है ना प्रोवाइडर में कि अब ये देखें आपके पास ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा आपके पास आया हुआ है कितने सारे हैं, लेकिन एनी हाउ अच्छा वो दोबारा नहीं किया जाता सही है। हाँ लेट्स सपोज अभी मैं क्या करूं, अभी राइट नाउ मैं अगर वहां पे कोई इसमें को एक और अपडेट ऐड करूंगा ना यहाँ पर ये म्यूजियम्स का जो लिस्ट है, तो इस चीज को रीलोड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ कुछ की वैल्यू अपडेट हो गई क्योंकि वो रन टाइम में ऑटोमेटिकली उसको लिसन कर रहा है, उसको लिसन कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी। मैं क्या करता हूँ चले उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट रन करते हैं आपको जस्ट बताने के लिए ना कि आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पर ये डेटा अपडेट करता हूँ मैं यहाँ पे म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, म्यूजियम फाइनल म्यूजियम इक्वल्स टू म्यूजियम एंड म्यूजियम में हमारे पास क्या क्या है टाइटल एड्रेस है, टाइटल एड्रेस एंड यहां पर मैं क्या करता हूँ इमेज URL ये म्यूजियम एक ऑब्जेक्ट मैं क्या करता हूँ गेट डेटा में इसको कॉल करने के बजाय इनिशियली वहां पर डेटा जीरो है ना इसको मैं राइट नाउ इसको एक फाइल भी छोड़ लेते हैं ना इसको मैं करता हूँ टू मतलब डेटा आया हुआ है तो हमारे पास भी और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फॉर I starts from 0, I less than 10, and I less than 10. यहाँ पे मैं करता हूँ await future dot delay सेकंड इक्वल टू मैं जस्ट यहाँ पे मैंने 2 सेकंड का डिले डाल दिया सही है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको फर्स्ट इनिशियली हम पास कर रहे थे सही है और मेरे पास जो म्यूजियम्स का जो लिस्ट है ना म्यूजियम्स का डॉट ए उसमें मैं इसका एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ टाइम टू टाइम सही है इसको मैंने ऐड कर दिया है एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ नोटिफाई जो गॉट म्यूजियम्स का डेटा है उसको मैं ठीक कर देता हूँ सही है एंड नोटिफाई इसमें
यार कौन ज्यादा हो जाएगा, ये कैसे काम करेगा? अब इनिशियली डेटा नहीं होगा ना, तो ये फॉल्स होगा, सही है? एक आएगा, दूसरा हर 2 सेकंड बाद वो नया नया आइटम ऐड कर रहा है, ये देखो हमें स्क्रीन रिलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो खुद ऐड कर रहा है, ये देखें ये ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप डेटा ऐड कर रहा है, सही है? तो मतलब यहाँ पे आपके पास जो चेंज आ रहा है ना, लेट्स सपोज में रन टाइम में डेटा आ रहा है यहाँ पर, तो आप ऑटोमेटिकली वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं इस तरह। So, this is just a simple demonstration of provider. So, yeah, provider है मतलब अभी इधर बहुत सारे और भी ऑप्शन आपके पास हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बट जो मोस्टली हम यूज करते हैं, हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको हमने यूज किया है, सही है? इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइडर में एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोवाइडर, सही है? अब मैंने क्या किया है, मैंने जो प्रोवाइडर बनाया है ना उसका मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया था, सही है? फिर यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये हमने यहाँ पर बनाया था, मतलब इसी स्क्रीन पे मैंने उसको ऑब्जेक्ट ही बनाया था, तो उसका स्टेट भी इस स्क्रीन के साथ होगा, सही है? इसको स्क्रीन को मैं पॉप करूंगा ना तो प्रोवाइडर का जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा, सही है? अगर आप चाहते हैं कि प्रोवाइडर का जो ऑब्जेक्ट है ये आपको ग्लोबली एक्सेसिबल हो, मतलब हर जगह एक्सेसिबल हो, मतलब फिर स्क्रीन पे, तो फिर हम क्या करते हैं उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ना स्लैश स्क्रीन जो मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप को हम रैप करेंगे मल्टी प्रोवाइडर के अंदर, इसको नहीं, हाँ इसको हम करेंगे रैप चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, एंड यहां पर हम क्या कर देंगे, एक मिनट कॉन्टेक्स्ट मेनू चलने के लिए एक मिनट यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं इसको, मल्टी प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर्स, हाँ ये लेट सपोज आपने मल्टी प्रोवाइडर एंड यहाँ पर हम एक इसको एक प्रोवाइडर्स की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोवाइडर की लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, एक ये इसको ये आप भी प्रोवाइड करता हूँ चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर एंड अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना होम प्रोवाइडर का, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना है ये आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर होम होम स्क्रीन का ना इसमें ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये रिमूव कर रहे तो आपके पास जस्ट आपने यहाँ पर अभी कंज्यूमर लगाना है, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर, अब हमारे पास ये सीन बन गया है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, वहां पर हमारे पास कार्ड था ना, यहाँ पर मेरे पास म्यूजियम प्रोवाइडर के नाम से है, इसको मैंने क्या नाम दिया है होम प्रोवाइडर, हमारे पास होम प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया है, सही है? अब मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज इसको मैंने यूज करना है यहाँ पर, सही है? मैं जिसको कंज्यूम करूंगा, सही है? मैं जिसको कंज्यूम करूंगा, मैं स्क्रीन पे वापस आऊंगा ना, जो अब सिंपली आपको इस आपको मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे दूँ इसका, इसका एग्जाम्पल एक और ये ले सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एड का बटन है ना यहाँ पर, एड का बटन, सही है? मैं अगर चाहूँ कि मैं यहाँ से कोई म्यूजियम ऐड कर दूँ, सही है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, इस स्क्रीन पे भी ऐड हो जाए, जो पिछला स्क्रीन था वहां पर, जहां पर आपके पास जो डेटा आ रहा है ना
यहाँ पे इसमें भी एरर हो जाए तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, ये चले इसको इस तरह करते हैं, ये थोड़ा सा और भी क्लियरिफाई हो जाएगा। सही है, इसको करते हैं एड म्यूजियम, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चले आपको मैं जस्ट यहां से समझा दूं, फिर आप इसको खुद ऑटोमेटिक खुद कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये मल्टीपल स्क्रीन है, सही है, आप इसे एग्जांपल ले रहे हैं, ये एड का स्क्रीन है, माई कार्ड का स्क्रीन है, ये कैटलॉग है। तो कैटलॉग से क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आइटम है ना, तो आइटम इस कार्ड में ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास प्रोवाइडर है जो उसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। सही है, जो मैंने जिसका जो मैंने यहाँ पर माई ऐप के अंदर उसको मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, मैं सिंपली यहाँ से आइटम ऐड करूंगा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कंज्यूम करेगा, उसको कंज्यूमर लगा हुआ है, यहाँ पर आइटम अपडेट होगा ना, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो आइटम यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। सर अभी यहाँ पर हमने एग्जांपल ले जाए, यहाँ पर ये स्क्रीन को रिलोड करने की जरूरत नहीं थी, ये सारे आइटम उसने बार बार खुद ऐड किए हैं। इसको मैं दोबारा से रिजन करूँ ना, क्योंकि टाइम टू टाइम उसमें एक एक ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा था, तो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पर रिलोड करने की जरूरत नहीं थी, और उसने सारा कुछ ऑटोमेटिकली खुद किया है। ये देखें उसने फर्स्ट आइटम ऐड किए हैं, अभी सेकंड आइटम ऐड कर दिए हैं, अभी देखें थर्ड ऐड किए हैं, अभी फोर्थ ऐड कर दिए हैं, एंड फिफ्थ देखें आप इस तरह, अभी नेक्स्ट ऐड कर दिए है इसमें, अभी नेक्स्ट ऐड कर दिए हैं, अभी एक फोर्थ ऐड कर दिए हैं, एंड सेम कि मैंने वहाँ पे एक लूप लगाया हुआ है 10 आइटम्स का, तो वो ऐड कर रहे हैं। सही है, अब आप इस तरह कर सकते हैं कि किसी और स्क्रीन पे जाके आप इस प्रोवाइडर को एक्सेस करें और उसमें वैल्यू ऐड कर दें, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आपको शो होगी। चलिए आपको करते हैं एग्जांपल करते हैं, इसके बजाय हम क्या करते हैं, गेट डाटा का बिल्कुल करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एड म्यूजियम का, उसको मैं एक म्यूजियम का ऑब्जेक्ट पास करूंगा। सही है, यहाँ पर आपको मैं इसको एक यूज केस भी बता सकता हूँ, वो ये है कि लेट सपोज आप एक नया म्यूजियम ऐड कर रहे हैं, सही है, लेकिन आपने वो म्यूजियम डेटाबेस में भी ऐड करना है। सही है, और डेटाबेस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर तो अपडेट नहीं होगा ना, उसके लिए आपको स्क्रीन को भी रीलोड करना पड़ेगा, दोबारा से डेटा फिक्स करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास जो लिस्ट है ना उसमें भी ऐड करते हैं और डेटाबेस में भी ऐड करते हैं, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तब इससे क्या होगा, आप डेटाबेस से एक और रिक्वेस्ट करने से बचेंगे, आपके रीड डेटाबेस बन जाएंगे, तो एक तरीका हमारे पास वो भी है। मैं क्या करता हूँ, म्यूजियम्स डॉट ए, म्यूजियम मैंने ऐड कर दी है नोटिफाइड लिस्ट पर, अभी इसको मैं करता हूँ ट्रू, सही है, एंड एग्जीबिशन का जो सेक्शन है, एग्जीबिशन के सेक्शन को मैं जोड़ते चढ़ते हैं, सही है, उसको भी जो मैं ट्रू कर देता हूँ राइट नाउ, सही है, कि मुझे ये प्रॉब्लम बार यहाँ पे शो ही ना हो। अब हम क्या करते हैं, होम प्रोवाइडर है ना ये, अब हम एड म्यूजियम स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक म्यूजियम का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंज्यूमर है ना, सिंपल यहाँ पर क्या करना है, ये एड का ऑप्शन है हमारे पास, सही है, यहाँ से ऐड करेंगे, ये असल में डेटाबेस में ऐड करते हैं, सही है, डेटाबेस में ऐड करने के आप इसको डेटाबेस में भी ऐड करना चाह रहे, वो कोई मसला नहीं है, बट वो आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट नहीं होंगे ना। चलिए इसको मैं फॉर टाइमिंग रिमूव कर देता हूँ, आप थोड़ा आपको डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, तो एक तरीका तो हमारे पास ये पूरे कंज्यूमर का आप विजिट लगा, सही है, तो जब आपने डेटा को लिसन करना होता है तब आपको कंज्यूमर लगाना जरूरी है वहां पर, सही है,
अगर आपने डेटा को लिसन नहीं करना, अगर आपको यहाँ पर रियल टाइम पे चेंजेस आपने नहीं देखने, अब लेट सपोज मेरे पास जो 8 म्यूजियम का स्क्रीन है, स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर 8 म्यूजियम का स्क्रीन है ना, तो उसमें जो डेटा को लिसन नहीं कर रहे ना, वहां पर मुझे चेंजेस नहीं चाहिए, तो वहां पर फिर कंज्यूमर लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मुझे वो डेटा तो लेसन नहीं करना, डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, उस विषय से मेरा काम ही नहीं है। हमने जस्ट यहाँ पर एक यहाँ से हमने जस्ट डेटा ऐड करना है, सही, लेसन नहीं करना यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास आप डायरेक्टली उसको प्रोवाइडर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, सही है। प्रोवाइडर डॉट ऑफ, अच्छा यहाँ पर प्रोवाइडर इम्पोर्ट नहीं हुआ, बस प्रोवाइडर को इम्पोर्ट करने से जरा आसानी होगी। प्रोवाइडर हमने इंपोर्ट कर दिया, हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट, प्रोवाइडर हमें यहाँ पर बताना होता है कि कौन सा, अच्छा यहाँ पर ऑफ में हमें बताना होता है कि कौन सा प्रोवाइडर, वो टाइप बताना होता है ना। हमारे पास का होम, होम प्रोवाइडर एंड डॉट, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, उसके उसके जितने फंक्शंस हैं अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं, होम प्रोवाइडर का जितने वो है ना वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, ये जो म्यूजियम था ना उसको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी आप देखें मैं बैक जाता हूँ तो मेरे पास कोई म्यूजियम नहीं है यहाँ पर, सही है। मैं यहां से म्यूजियम ऐड करूंगा, अच्छा सर मैं ये कोड अपडेट नहीं हूँ, इसको रिस्टार्ट करते हैं। अच्छा राइट, तो कोई म्यूजियम नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ से म्यूजियम ऐड किया हमने, कोड अपडेट नहीं हो रहा, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, चलिए एक टाइम और ट्राई करते हैं उसके बाद देखते हैं। अच्छा यहाँ से मैं क्या मुस्कार है, द कॉन्टेक्स्ट यूज इन रियल वर्ल्ड यूज थिंग इट्स नॉट सपोज बिकॉज पॉइंटलेस द बिल वेज इट एंड द बिल शी डजंट केयर अबाउट द बिल अच्छा सही है। एक बार यहाँ पर जब हमने लिसन नहीं करना, तो जो मैंने जो कॉन्टेक्स्ट यूज किया वहां पे लिसन को कॉल करना होता था, मैंने वो यूज नहीं किया, सही है। ये उसको चेक करना होता है, मैं एक और ऐड करता हूँ यहाँ पे, अब हुआ क्या है यहाँ पर मेरे पास अभी क्या है, एग्जांपल वही है, हमारे पास जो प्रोवाइडर है ना वो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पर मेरे पास एक और स्क्रीन है, उससे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और ये उसको लिसन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ वो उसको लिसन कर रहा है, तो वहां पे आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट चाहिए।
अब अगर आपने सर अभी एक कार्ट बनाना है तो कार्ट में क्या होता है, मतलब सवाल स्क्रीन पे आता है ना आपके पास कार्ट है, तो कार्ट में यहाँ पर एक लिटर एक आइटम है, आप जस्ट उसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देना उसको, तो वो यहाँ पर आपके पास कार्ट में ऐड हो जाएगा। सही है, अभी यहाँ पर इसको हमने प्रॉपर, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। ये प्रोवाइडर का जो मेन मकसद है, ये जो स्टेट मैनेजमेंट का मेरे पास मेन पर्पस है, वो मेरे पास आ गया। अब ये देखिए आपके पास जो कार्ट का आइटम है ना, ये कार्ट का इस केस में आपके पास कार्ट का आइटम है, यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो होम स्क्रीन का आइटम है, म्यूजियम्स का वो जो प्रोवाइडर है। सही, तो वो हमारे पास परसिस्टेंट है। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ ना, तो ये देखिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन पे आया हूँ, मैं एक और स्क्रीन पे हूँ अभी। अब ऐड हो गया, सही है। अब मैं एक और स्क्रीन पे जाता हूँ, तो ये डेटा मेरे पास में इस स्क्रीन पे नहीं है ना, मैं उस स्क्रीन पे नहीं है, वरना अगर मैं किसी और स्क्रीन पे जाता, वहां से पॉप बैक होता, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाता। ये इसका जो स्टेट है मेरे पास यहाँ पर परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है। सही है, और आपको मैंने वो चेंज नोटिफायर की बात ही बता दी, तो सेम आप जो है ना सेम पर्पज जो है ना आप इसके केस में यूज कर सकते हैं, कि आपके पास जो है ना एक विजिट हो, सॉरी हाँ एक कार्ट का ऑब्जेक्ट है, तो कार्ट में भी आप सेम सी यूज कर सकते हैं। सही है, तो दैट्स ऑल अबाउट आई थिंक प्रोवाइडर की जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, वो बेसिक भी हमें देखनी है, वो उसकी बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हम दे देखनी। तो खुलासा आज के सेशन का हमारा ये है कि स्टेट मैनेजमेंट, अगर आपके पास छोटे एप्लीकेशन है, छोटे लेवल के एप्लीकेशन है, आप उसमें अगर आप प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ना भी यूज करें तब भी आपको काम चलता है। सही, लेकिन जब आप एक बड़े लेवल के एप्लीकेशन पे जाते हैं, प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशन है, उसमें स्क्रीन भी ज्यादा है, तो उसमें फिर ये है कि आपको एक कोई स्टेट मैनेजमेंट होती है आर्किटेक्चर यूज करना होता है अपने कोड को मैनेज करने के लिए। सही है, अभी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन थी ये होम स्क्रीन के अंदर प्रोग्रेस बार शो करना था, जितनी भी चीज थी वो सारी निकाल के हमने यहाँ पर ये इसमें इसमें डाल दिया है। सही है, तो ये जो डेटा आने का ले जाने का जितना भी कंसर्न है, ये भी इसमें काम होगा, ये प्रोवाइडर का काम। सही, जो हमारे पास स्क्रीन है उसका जस्ट काम है वो यूआई को जस्ट हमें दिखाना था, उसका काम वो है। सही, अभी इसमें असल में कुछ और भी बातें हैं इन टर्म ऑफ कि हमारे पास परफॉर्मेंस के लिहाज से, कि हमारे पास रिबिल्ड जिस टाइम कितने कितने टाइम बाद बिल्ड का फंक्शन दोबारा कॉल होगा, लेकिन वो बातें तो बड़ी एडवांस में चली जाती है। आई होप कि राइट नाउ अभी तक जो हमने डिस्कस की है दैट्स इनफ फॉर दिस थिंग। हाँ, जो बात की तो एडवांस के टॉपिक्स हैं, तो वो आप थोड़ा सा काम करेंगे आगे, अपना प्रैक्टिकली खुद काम करेंगे, तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं उसको सीखने के लिए। अभी आपको मैं बताऊंगा तो जो अभी हमने डिस्कस किए वो भी आप भूल जाएंगे। सही है, सो आई होप सो के दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड साथ में हमने डिफरेंट ऑप्शन भी देख लिए हैं, एंड प्रोवाइडर के हमने बेसिक वो प्रोसेस देख लिया है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है। सही है, अभी यहाँ पर हमारा मकसद जो था ना, वो आपको एक्चुअल जो प्रोवाइडर की मेन इम्प्लीमेंटेशन थी वो समझाना। सही है, अब इसका जो एक्चुअल सिंटैक्स है उसके मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सही है, आपको मैंने मल्टी प्रोवाइडर का पर्पज ही बता दी कि आप मल्टी प्रोवाइडर किस केस में यूज कर सकते हैं। सही है, अब मल्टी प्रोवाइडर में हमने एक यूज किया है ना, इसमें आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स भी लगा सकते हैं। सही है, लेट्स सपोज आपके पास एक कार्ड है, तो उसका एक आप एक मल्टी वहां वहां पे एक प्रोवाइडर बना दें, दूसरा आपके पास एक प्रोवाइडर है जो आपका एप्लीकेशन पर जो ऑथेंटिकेशन का स्टेट है उसको मैनेज करता है। सही है, तो वो एक अलग प्रोवाइडर उसमें बना दें। सही है, इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज सेशन, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारा है वो हमारा आखिरी वीक होगा इंशाल्लाह। तो मोस्ट ऑफ कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट सेशन में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें, इस चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास चलिए आपको मैं प्रोसेस समझा दूंगा ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर का ना, तो उसको आप खुद दोबारा से देख सकते हैं। एक्चुअली इसमें कुछ चीज़ें समझने की होती है, वो हमारे पास साइनिंग है जो वीक 6 में है, आपने एपीके बिल्ड कैसे करना है, एपीके के डिफरेंट टाइप्स क्या है। सही है, कौन कौन से फाइल्स हैं जिसको आपको चेंज करना होता है, कौन से इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जिसको समझना जरूरी है। अभी यहाँ तक हमने फ्लटर में जितना काम किया है ना, हमने एंड्रॉइड नेटिव में इतना ज्यादा हम डीप नहीं गए उसमें। सही है, उसका जो बिल्डर रेडल का फाइल है उसका क्या मकसद है, या अगर हमारे पास iOS में info.plist का फाइल है उसका क्या फायदा है,
क्योंकि आप लोगों ने मतलब एंड्रॉइड नेटिव पढ़ी नहीं है और ना आपने आईओएस नेटिव पढ़ी है, तो वो थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दूंगा उसमें जो डिफरेंट फाइल है उसका जो स्ट्रक्चर है, ताकि लेट्स सपोज अगर आपको कल कोई मसले आते हैं एपीके बिल्ड करने में या आईपीए बिल्ड करने में तो आपको आसानी हो, सही है। और ऐप को साइन कैसे करना है, साइनिंग का क्या मकसद है, और रिलीज बिल्ड और उसमें जो ऑप्टिमाइजेशन की चीजें हैं आपने ऐप को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसमें जो एक नोन मसले जो आपके सामने आते हैं उसको मैं डिस्कस कर लूंगा, और बाकी जितना भी प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी मौजूद है उससे आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नोन इश्यूज आते हैं आपको वो मैं आपको समझा दूंगा जो बेसिक बेसिक वो चीजें हैं, सही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस सेशन एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।